हेलो दोस्तों, टुडे एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपने टुडे एग्ज़ाम को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को ऑन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है, आपको 5 सेकेंड मिलेगी, नेल्सन मंडेला, पंडित नेहरू, एडम स्मिथ या राज बिहारी। इसका राइट आंसर है दोस्तों, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? नदी, नहरें, वर्षा, तालाब। दोस्तों, आपके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MTS और SSC से संबंधित एलिसिस करके बनाए गए हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों, नहरें। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश NSS की स्थापना कब हुई? 1950, 1955, 1850 या 1945। इसका राइट आंसर है दोस्तों, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? रूस, भारत, जापान या चीन। इसका राइट आंसर है दोस्तों, चीन। कौन है दोस्तों? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है? बिजली कर, निगम कर, सेवा कर या आय कर। इसका राइट आंसर है निगम कर। निगम कर से भारत को सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोल, कृषि, कच्चा तेल या LPG। इसका राइट आंसर है दोस्तों, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का संबंध सुंदर राजन समिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल और हेल्पफुल लगती हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, मद्रास या बम्बई। इसका राइट आंसर है दोस्तों, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? विकासशील देशों की, गरीब देशों की, विकसित देशों की या शक्तिशाली देशों की। इसका राइट आंसर है दोस्तों, विकसित देशों की। विकसित देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? कार्ल मार्क्स, इंदिरा गांधी, चाणक्य या नेल्सन मंडेला। इसका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है द कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली में, बिहार में, कानपुर में, मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर है दोस्तों, सिंगरौली में। सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या कहा भी जाता है इसको, ये भी कह सकते हैं कि इसको सिंगरौली में मोटी पटल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लोहा आयस्क किस बंदरगाह से निर्मित किया जाता है? कोलकाता, विशाखापट्टनम, मद्रास या कोहिमा। इसका राइट आंसर है दोस्तों, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? कृषि उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, व्यापार या सूती वस्त्र उद्योग। इसका राइट आंसर है दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति संबंध नहीं सॉरी औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस या भारत। किस में हुई दोस्तों? इंग्लैंड में हुई। किस में हुई दोस्तों? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय, प्रथम, तीसरा या पांचवा। इसका राइट आंसर है, इसका आंसर है ए, द्वितीय। द्वितीय भारतीय रेलवे का विश्व में स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे कितने जोन में विस्थापित है? 17, 18, 19 या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए, 17। 17 जोनों में भारतीय रेलवे में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ?
5 मई 1954, 1 अप्रैल 1951, 28 अगस्त 1979 या 30 सितंबर 1960। इसका राइट आंसर है गाइस, जल्दी आपको प्रैक्टिस सेट इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको MTS और SSC UP पुलिस सभी में LSS करके बनाया गया है। इसका राइट आंसर है बी, 1 अप्रैल 1951 में आर्थिक नियोजन प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949, 1955, 1966 या 1810। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, 1949। 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? चाय घोटाला, रेशम घोटाला, चीनी घोटाला या अनाज घोटाला? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी, चीनी घोटाला। चीनी घोटाले से ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न व आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या इंग्लैंड? इसका राइट आंसर है ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित की गई? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित की गई? GIC, LIC, FIC या बैंक प्लान द्वारा? इसका राइट आंसर है ए, GIC द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? 1999 से 2000, 1989 से 1990, 1992 से 1993 या 1951 से 1952? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ए, 1999 से 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना हो। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें। तो थैंक यू, ओके, बाय फ्रेंड्स।